हेलो एंड वेलकम टू ऑल द फ्यूचर एजुकेटर्स एंड टीचर्स वेलकम टू द एफटीपी ऑनलाइन प्रोग्राम डीपीबी डिस्कशन मेरा नाम कोमल शिवनानी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीबी नंबर थर्टी नाइन ऑफ द चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इस डीपीबी के अंदर जो हम सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे वो है बेसिक इंट्रोडक्शन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लांट वाटर रिलेशन वाटर पोटेंशियल एंड ऑसमोसिस सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन है इन फ्लॉरिंग प्लांट वी नीड टू ट्रांसपोर्ट सबसे पहले फ्लॉरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें फ्लॉरिंग प्लांट्स यानी एनजियोस्पर्म्स तो फ्लॉरिंग प्लांट्स के अंदर हमें बहुत सारे मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने होते हैं और इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ है वेस्क्यूलर टिश्यूज है तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने हैं उसके लिए यहाँ पर जो वैस्क्यूलर टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल होता है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स दी दैस्क्यूलर टिश्यू ऑफ द प्लांट और ये जो वैस्क्युलर टिश्यू है इसके अंदर दो मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं एक है जायलम और दूसरा है फ्लोयम जाइलम एंड फ्लोयम जयलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो जायलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड वाटर के साथ मिनरल्स मिनरल न्यूट्री एंट्स मिनरल न्यूट्री एंट्स एंड फ्लोएम की अगर बात की जाए तो फ्लोएम क्या करेगा वो ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को फूड सिंथेसाइज हो रहा है लीव्स में और लीव से फिर दूसरे प्लांट पार्ट्स में या स्टोरेज ऑर्गन्स में वहां पर फूड पहुंचाया जाएगा सो so, यहाँ पर क्या होगा फ्लोएम इट विल ट्रांसपोर्ट द फूड फूड क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक न्यूट्रिय सो यहाँ पर ये चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है इसके अलावा प्लांट्स के अंदर कुछ हॉर्मोन्स की बात की जाती है जिनको बोला जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रेगुलेटर्स तो ये प्लांट ग्रोथ जाइलम के थ्रू भी मूव कर सकते हैं फ्लोएम के थ्रू भी मूव कर सकते हैं डिपेंड करेगा कि उनका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है अगर वो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे तो वो जाइलम के थ्रू चले जाएंगे और अगर वाटर में डिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो फ्लोएम के थ्रू एनर्जी खर्च करके चले जाएंगे सो so, जो पी हैं पीजीआर यानी plant growth regulators plant growth regulators also known as plant hormones plant growth regulators or plant hormones they can move through both xylem and phloem move through both xylem and phloem depending on its chemical nature एंड मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट सो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें फ्लारिंग प्लांट्स में हमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट करना है हमें वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने हैं ये बिल्कुल सही है हमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करने हैं जैसे कि फूड ये भी सही है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी ट्रांसपोर्ट करने हैं ये भी सही है सो इन फ्लारिंग प्लांट्स वी नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज मटीरियल्स तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दिस